د جنا مزار په پارکینګ کې دلته کې بایک روک شوی دی زموږ سره یو پختون مرګره د چردو کارت روک شوی دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نو فرمان دا څه مسله ده دا مسله دا چې بای تقریبا یو هفته کېږي چې ګاډه مغسته ده پوه شو کنه او وسته دلته کې پارک چکر لراغلی و ګاډه ورک شو او پارکینګ والا و چې بایله کم دي چې مواري نه لوو 30 روپے 30 روپے ٹکٹ چ کم دے 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 اخ لیو بیام نہ کہ دوجی پہلے کم دے دے مواری نہ اخ او پارکنگ والا کم ہو دے بس پارکنگ والا دے کہ کی دے پوش کنا او رخشے کیو کہ نہ ولے دے اگو جی پہلے کم دے دے مواری نہ اخ لو بھائی لگا تے دے پورا دے مواری پھو ٹوکن کیم لے کرے اجازت کہ رمنگ بھائی دے پارا ودرو جی بھائی حفاظت دے رمنگ دے دے او مر تے دے تے وسا او نہ منی ہو جی بھائی اس حساب نہ کی جو ہے مرتا سو کدے شی आप देख सकते हो कि एक बाइक उन्होंने पूरी आवाम परेशान है यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि रास्ता जो है ब्लॉक किया हुआ है वन टू फाइव गाड़ी था कम मॉडल 20 मॉडल गाड़ी है वो 20 मॉडल गाड़ी था वन टू फाइव और आप देख सकते हो कितनी आवाम को परेशानी हो रही है यहाँ पर तो आपको हम लेके जाते हैं उस पार्किंग वाले के पास दल तक चुकम थे पार्किंग वाला भी इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए इनसे मैं पूछूंगा कि क्या इनके पास पर्ची है अच्छा पर्ची की भी तस्वीर आप देख सकते हो ये इसकी पार्किंग की पर्ची है ये पकड़े तो आप जब जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो ये किस तरह का निज़ाम चलेगा लोग को कितने पर मेरे सामने मैंने पर्चियाँ लेके गए वो तो ठीक है लेकिन ये देख तो सही ना पूरी आवाम परेशान है यार एक बाइक की यार मैं आपको बात कर रहा हूँ यार ऑफिस वाले से बात कर रहा हूँ मैं ऑफिस वाले से कब बात करोगे ये देख पूरी इतवार का दिन गुजर मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ सीनियर से आप जल्दी बात करें ना आवाम परेशान तो मैं उनसे बात ही तो कर रहा हूँ मेरे सीनियर से यार तो जल्दी से मोबाइल उठाऊँ उसे बात कर ले यार बात कर रहा हूँ अच्छा तो ये कब ये मसला चल रहा है अभी आप यकीन कीजिएगा किस तरफ कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि कितना लोग परेशान है एक बाइक की वजह से जो है पूरी आवाम को रोक के रखा हुआ था अभी जो है जब हम आए तो थोड़ा बहुत रास्ता खुल गया और लोगों का जाने का जो सिलसिला है काफ़ी देर से जो रुका हुआ था तो कौन कौन का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या मतलब भाई मुझे तो नहीं पता मैं तो गाड़ी गुम हो चुकी है इनकी और इनके बाद भी बताया यहाँ गाड़ी गायब हो गई है तो मैंने बोला मैं दिहाड़ी वाला मसला था 5 मिनट का सीनियर आ रहे हैं उनसे बात तो इसका पूरे पार्किंग का एक ही गेट जी एक गेट है ना पूरे पार्किंग यही पार्किंग का कैसे आउट हो गया गेट आप रुक तो जाए बंदा आ रहा है सीनियर आ रहा है कैमरे लगे हुए उसमें देखते हैं कहीं नहीं जा रहे हम लोग यही खड़े हैं हम कोई चोर थोड़ी है तो हम आगे पीछे पर्ची किसने बनाया पर्ची किसने बनाया था किसने बनाया भाई मैंने आप जरा देख आप कैमरे की तरफ देख भाई मैंने बताया मैंने पर्ची बना रहा हूँ मैंने बोला कि हाँ हाँ दा मरगर मंग सर मौजूद थे समझना बोला जाना नहीं थे चल ले चेता वही पर्ची माँ जोड़ा खड़े जा पहुँच गए और सिर्फ 30 रुपये जा पारा जदा स्कूटर जिम्मेवारी ना ला सही है जमा हुई थी सिर्फ 10-30 रुपये अलग अगर स्कूटर जिम्मेवारी ना लेते इधर जरा तुमरा घंट से वो लाड़ दी तरा कैमरा तला गए तरा तुमरा पार्किंग देता कदी आदम मदार अच्छा इस भाई का कहना है कि ये पार्किंग वाला भाई कह रहे हैं कि मैं 30 रुपये के लिए जो है पूरी गाड़ी का जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ ये एम ए जना की रोड के ऊपर इतना रश है यहाँ पे लोगों का आमदरफ्त होता है अगर एक मिनट के लिए भी गाड़ी रुक जाती है आने जाने का सिलसिला रुक जाता है तो बहुत परेशान होते हैं आवाम और ये भाई कहते हैं कि मैं 30 रुपये के लिए जो है पूरी गाड़ी का जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो मेरा उनसे ये गुजारिश है कि या तो अपना स्टाफ चेंज करे या जो ये भाई जिसने पर्ची बनाया था तो अगर ये गाड़ी गायब हो जाती तो क्या होगा दोस्त मैं तो यही बोल रहा हूँ ना सीनियर बात कर रहा है सीनियर बात वो तो बात करेगा ना वो कैमरों में देखेगा अगर आज दो वही चला कमूंगा सीनियर खबर है कि सीनियर कौन सा वाला है कब ये हो गया सीनियर ये उरा चिरून बोला कि आपको वही चोदे कैसे सीनियर था माँ तो कोई सीनियर हुआ आप हमें सीनियर से मिलवाएं ना कैम सीनियर से मिलवाएं सीनियर से मिलवाएं ना अभी सीनियर आ रहे हैं उनसे मिलेंगे बात करेंगे इस पर